दोस्तों नमस्कार। सुबह हमने बताया आपको वसई से बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने अपना नामांकन भरा। अब इस समय हम मौजूद है नालासोपारा महाड़ा कॉम्प्लेक्स में, जहां अभी अभी क्षितिश ठाकुर अपना नामांकन भरने के लिए अंदर गए हैं। इस बार अपने उम्मीदवारी दाखिल किया है और पिछली बार की अपेक्षा इस बार कैसा रिस्पांस रहेगा आपका? अपने कार्य करते देखे 3.5-4 किलोमीटर सीनियर से लेके महिला कार्यकर्ते चलते हुए आपने देखे, गाड़ी रिक्शा मोटरसाइकिल से नहीं है। आपने भी बहुत जगह पे शूटिंग निकालना मैं देख रहा था, हर जगह पे कार्यकर्ते मिल रहे थे और जिस ताकत से वो लोग उतरे रास्ते पे, वो रिस्पॉन्स आपको बताएगा कि जीत किसकी है। अभी ये हमारे सीनियर कार्यकर्ता, ये भी मतलब सीनियर उम्र में भी 4-5 किलोमीटर चल के इधर भवन तक, मतलब हमारे भवन से लेके महापालिका फॉर्म भरने के लिए कड़ी धूप में, इसके ऊपर से ध्यान में आता है। आप में से कुछ लोग घूम रहे थे क्राउड में कि कितना पैसा दिया है, पूछ रहे थे, आपको रिस्पांस नहीं मिला। मेरे को बोले हमारे कार्यकर्ता कि हमको पूछ रहे थे कि कितना पैसा मिला इधर आने के लिए वगैरह, आपको रिस्पांस ही नहीं मिला, तो क्या आप चलाओगे नहीं? दादा किसी ने पास बांटा है ऐसा कुछ आरोप है आपका? आप में से कुछ तो भी लिंक पे घुमा रहे थे, कुछ लोगों ने बांटा है वगैरह ऐसा, और वो पुलिस बिरार पुलिस स्टेशन है उधर, ये जो सामने का पुलिस स्टेशन है बोलिंज का पुलिस स्टेशन जो अभी उद्घाटन हुआ उसके सामने ही बांट रहे थे। आप में से किसने तुम्हें निकाला? आपने जांच की मांग नहीं की इतने बड़े मामले? छोड़ो, किसको कितना वैल्यू देने का हमको मालूम है। दादा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप दिख रहे हैं कि आप दुकानों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब हमारा विधायक लोगों जनता के बीच में पहुंचता है, बाकी के दिनों में हमारा विधायक क्यों नहीं दुकान वालों को मैं मिला? उन दुकान वालों को आप जाके मिलो, जिधर मेरा जन्म हुआ उस गली में रहने वाले, जिधर मैं जन्म लिया जिधर बड़ा हुआ उस गली के वो दुकान वाले, वो हमारा परिवार जैसा है। उन दुकानदारों के सारे बच्चे हमारे दोस्त हैं, बचपन में उनके बच्चों के साथ हमने क्रिकेट खेला है। उनको आप जाके मिलो कि हम सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन मिलते हैं कि जब भी मैं उस गली में जाता हूँ तब उनको मिलता हूँ, या आप उनको जाके पूछो मैं काहे के लिए जवाब दूँ। ऐसा भी तो मैंने हमारे हम लोग के आते हैं मिलके सुख दुख में हरदम साथ देते, तब वीडियो नहीं बनाते हो ये लोग पब्लिक के बीच में। लो सही बात है, लो हमारे सुख मिल गया जवाब दो अभी आप जवाब दो। आज भी नालासोपारा कहीं मानों में पिछड़ा हुआ, आपका विजन क्या है? नहीं अभी आप जवाब दो इनका, पहले इनका जवाब दो। छोटे से छोटे झोपड़पट्टी में हम लोग का सुख दुख के लिए आते हैं, हमारे बच्चों का किसका बर्थडे रहे शादी ब्याह रहे वहाँ आते हैं, तभी नई वीडियो बनाते हैं। जो वीडियो वायरल होता है वो आपके कार्यकर्ता करते हैं, आपके कार्यकर्ताओं से हमें मिलता है वो वीडियो, तो आपके कार्यकर्ता उस टाइम पे वीडियो वायरल क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? दादा आपके क्षेत्र में नालासोपारा में आज भी कई जगह पिछड़ापन है, आगे का विजन क्या है? आज भी कई जगह पर नालासोपारा में पिछड़ापन है, नालासोपारा में आज भी वो व्यवस्थाएं नहीं है, तो आगे का विजन क्या है? कौन सी व्यवस्थाएं नहीं है ये अपन मुद्दे पे आमने सामने करके, हमने स्लम पट्टी में जाए आप, रोड नहीं पानी की समस्या है, स्लम्स किधर बना? 2009 से पहले उस एरिया का आमदार कौन था, किसके पिताजी? आचोला से लेके जो तुलिंज की तरफ रास्ता आता है लेफ्ट साइड का जो पूरा एरिया है, किसके पिताजी अभी गुजर गए इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, गलत है वो संस्कार हमारे नहीं है, किसके पिताजी उधर MLA थे? स्टडी करो, आप पॉकेट बोलने का इधर बैठ के बिना एक कागज लेके मैं बोलूंगा कौन से पॉकेट में कितने के काम हुए, क्या क्या काम हुए वो इधर बोल सकते। दादा एक छोटा सा सवाल है, चालू होने दो, छोटा सा सवाल चालू होने दो, बाद में मिलेंगे, चले हमने सामने करो। फॉर्म भरलेला है, अनेक जण रिंगणात उतरलेले आहेत, बहुजन विकास आघाडीचा कसा कोणाशी आमचा सामना कोणाशी? एक मिनिट, आमचे कार्यकर्ते थोडं साईडला
क्या है ये? वसई विरार के विकास के लिए किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे? जो मुद्दे विकास के है, किन किन मुद्दे ऐसे नहीं, अभी पानी काफी आ गया है, लेकिन बढ़ती आबादी, पूरे दुनिया में जो आबादी का ग्रोथ रेट है, जो बढ़त होती है, वो वसई तालुका में, पूरे दुनिया की बोल रहा हूँ मैं, वसई तालुका में होती है। तो हमने अभी से ही आगे का पानी, उसके लिए खाली पानी के लिए पाइपलाइन के लिए 165 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को भरा हुआ है 10 साल पहले। खुलसा बड़ा एक, खुलसा बड़ा दो, ऐसे जो प्रोजेक्ट है कॉरपोरेशन के पैसे से चालू है, मतलब और 15-20 साल जो आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से पानी का रिजर्वेशन, पानी का अपने लिए जो रिजर्व रखने था करने का काम हमने ऑलरेडी करके दिया है, आगे देख रहे हैं आगे और क्या करने का, उस हिसाब से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेट्रो के साथ नायगांव खाड़ी पे ब्रिज वो बात करा के लिया है, मतलब व्हीकल भी जाएगी और मेट्रो भी जाएगी। पालघर यहाँ से विरार से सफाला ब्रिज, उसका ऑलरेडी टेंडर निकल चुका है। एक वो सफाला हाईवे से जो पालघर की तरफ मनोर से पहले रास्ता जाता है, उसका ब्रिज ऑलरेडी टेंडर निकला हुआ है। माणिकपुर का फ्लाई ओवर है, यहाँ पे सिग्नल के यहाँ का फ्लाई ओवर है, चोपारा के दो फ्लाई ओवर है, वे सब बड़े बड़े मुखिवरा का फ्लाई ओवर, ये सब पास करा के लिए। उसके साथ साथ चारों हाईवे से लेके गांव तक, मतलब विरार हाईवे से लेके अरनाला तक, चोपारा हाईवे से निर्मल तक, वसई के दोनों हाईवे से वसई गांव तक, नायगांव हाईवे से उमेड़ा तक, और उसके साथ साथ रिंग रोड, इसका भी ऑलरेडी सैंक्शन ले लिया है। ये सब काम जो चल रहे हैं। हाल फिलहाल में भाजपा के प्रत्याशी ने बोला था कि जो 30 साल से सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने वसई विरार का विकास नहीं, विनाश किया है। मेरे लिए अच्छा बोलेंगे क्या? मेरे लिए अच्छा उनका कहना है कि वसई विरार का विकास नहीं, उन्होंने विनाश किया है ना। वो क्या बोलते हैं, वो छोड़ देने का, कोई भी सामने वाला मेरी तारीफ तो नहीं करेगा, तो बचनी चाहिए ना उनकी, तो गलत तो बोलना ही पड़ेगा। क्या लगता है इस साल में जो विधानसभा चुनाव, इसमें पीला रंग रंगेगा या भगवा रंग रंगेगा? हमेशा पीला ही लगता है। अप्पा, यहाँ पे किसी भी सरकारी अस्पताल हो या फिर गैस की पाइपलाइन हो या पानी की टंकी, भूमि पूजन बार बार होते हैं, लेकिन लोग जनता को सुविधाओं के लिए इलेक्शन तक का इंतजार करना पड़ता है, क्या क्या कहेंगे? पाइपलाइन सिर्फ यहाँ नहीं तो पालघर में भी कई जगह पे पहुँचाए, घर घर में पहुँचाए, भूमि पूजन का सवाल ही किधर आता है, घर घर में पहुंच जाए, जिधर नहीं पहुंचा है वो पहुंचेगा। सरकारी अस्पताल और सरकारी कॉलेज यहाँ पर लोगों को मिल पाएंगे। सिद्धेश ठाकुर के बर्थडे के दिन भूमि पूजन किया गया, 250 करोड़ ऐसा पहले था बजट, लेकिन 400 करोड़ होने वाला है, उसमें से 25 करोड़ का चेक कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। सर क्या कहेंगे, क्षितिज दादा यहाँ से फॉर्म भर रहे नामांकन के लिए गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जो माहौल तो सब सामने दिख रहा है, जो सीट हमारा है, ये परंपरागत सीट है। इस बार कितनी उम्मीद है, जबकि चौरंग की लड़ाई होने वाली है, तिरंगी भी नहीं चौरंग की, कहीं बहुसंख्य इस बार उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम आप देखो, हम हमारे विकास के ऊपर चलते हैं, हमारे जो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, उनके सब कार्यकर्ता, सतीश ठाकुर के कार्यकर्ता, हमारे MLA राजेश पाटिल के सब कार्यकर्ता है ये, और जो हम विकास के है, विकास के ऊपर हम चलते हैं, विकास के ऊपर हम जीत के आएंगे। पिछले अभी जब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी ने 3 ही सीटों पर लड़ा, तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी को दूसरी 3 सीटों पर इतनी उम्मीदें नहीं थी? ना ऐसे थोड़े, अभी तो काम चालू है ना, कल तक फार्म भरेंगे। मीरा भाईंदर में भी 6 है, 7वां कैंडिडेट तो मीरा भाईंदर में खड़ा भी किया है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।